खम्बा घनी मारू राजस्थान यूट्यूब चैनल पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जिम्मेदारी संग नारी कर रही है उड़ान, ना कोई शिकायत ना कोई थकान। एक ऐसी ही शख्सियत आज हम सबके साथ मौजूद है जो बहुत सारे लर्नर्स, हजारों लाखों लर्नर्स और खास तौर पे महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण है, बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है, संतोष राजावत मैम। मैम मैं आपका स्वागत करती हूँ मारू राजस्थान चैनल पे। बहुत 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 धन्यवाद स्वागत है अरुणा जी। और थैंक यू सो मच, आपने इतना अपना कीमती समय हमारे लिए निकाला। संतोष मैम जो है वो टोंक जिले के दिग्गी कल्याण जी से आती हैं और बहुत बड़ा उदाहरण है कि सब इंस्पेक्टर के पद पर रहे, 10-11 साल जॉब की, फैमिली की जिम्मेदारी को निभाते हुए, बहुत सारी शारीरिक कुछ प्रॉब्लम्स भी आई मैम के, कुछ ऑपरेशंस भी हुए, उसके बावजूद आरएएस को 2012 में इन्होंने 53rd रैंक हासिल किया, अपना लक्ष्य जो है प्राप्त किया है और आज जो है जयपुर के अंदर असिस्टेंट रजिस्ट्रार के पद पर कार्यरत है। तो मैम बहुत स्वागत करती हूँ आपका। आप अपने बारे बहुत में बहुत धन्यवाद अरुणा जी, थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। अपने बारे में बताइए मैम, कैसे आपके मन में आया कि आरएएस का स्टार्ट करना है और जो भी आप बताना चाहें अपने बारे में। देखिए मैम, मैं वैसे ग्रामीण परिवेश से ही बिलोंग करती हूँ और जहां तक आरएएस का विचार आया, एक्चुअली मेरा जो फ्रेंड सर्किल था मैम, वो फ्रेंड सर्किल आरएएस की तैयारी कर रहे थे और मैं उस समय 12th में थी। 12th के बाद मैं जैसे बीए कर रही थी, सेकेंड ईयर की बात है, तो मैं उनके साथ बैठ के स्टडी किया करती थी। अच्छा। तो उनके साथ स्टडी करते करते, बीए करते करते मेरे मन में ये विचार आया कि प्रशासनिक सेवाओं में जाना मेरे लिए अच्छा रहेगा और मुझे धीरे धीरे उसमें इंटरेस्ट भी डेवलप हुआ और मैंने तैयारी शुरू कर दी, बीए के साथ ही तैयारी कर दी शुरू। अच्छा, और उसमें फिर आपने बीच में सब इंस्पेक्टर की जॉब की, तो वो जो सफर था, मतलब तो बहुत सारी चुनौतियां आई होंगी। सबसे बड़ा जैसे हमें आते हैं कि जॉब पर रहते हुए और फैमिली में बच्चों को देखते हुए, तो वो टाइम मैनेजमेंट आपने कैसे किया, मतलब तो बहुत मुश्किल होता होगा। जी तरुणा जी, एक्चुअली जब मैं आरएस की तैयारी मैंने स्टार्ट करी तब सबसे पहले वैकेंसी ही ये पुलिस वाली आई थी। अच्छा। तो मुझे लगा कि एक बार मुझे ट्राई करना चाहिए कि तैयारी मेरी कैसी चल रही है। ठीक, इसलिए मैंने उसका एग्जाम दिया, फाइट किया और उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया। हुँ. तो मैंने ज्वाइन कर लिया फर्स्ट उसको, क्योंकि एक जॉब सिक्योरिटी भी चाहिए होती है लक्ष्य के साथ, क्योंकि प्रशासनिक सेवाओं में जाना उसमें एक्चुअली टाइम चाहिए थोड़ा, और कुछ लक भी काम करता है, कुछ अपनी मेहनत काम करती है, दोनों। हाँ जी, इसीलिए मैंने उसमें पहले ज्वाइन किया राजस्थान पुलिस सेवा को। 2004 में मैंने तरुणा जी ज्वाइन किया जी, और 2004 से 11 में मेरा 11 तक मैंने उधर जॉब की और 2012 में मेरा आरएएस में सिलेक्शन हुआ। तब मैंने 2015 में इधर ज्वाइन किया। एक्चुअली तैयारी के बीच मुझे काफी प्रॉब्लम्स आई। पहले मेरा सिर्फ एक लक्ष्य था, मैंने तैयारी स्टार्ट करी। 2 साल मैंने पुलिस डिपार्टमेंट में जब अपनी सेवाएं दी, ट्रेनिंग करी, तो उस टाइम मुझे बिल्कुल समय नहीं मिल पाता था कि मैं प्रशासनिक सेवाओं की आगे तैयारी कर पाऊँ। लेकिन फिर भी मैंने ट्रेनिंग सेंटर में थोड़ा टाइम निकाला, कोशिश करी, तो वो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। अच्छा। उसमें फर्स्ट अटेम्प्ट में भी मैंने प्री पास किया, मेंस पास किया और अच्छा। इंटरव्यू भी मेरा हुआ, पर फाइनली मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। फिर 2 साल जब ट्रेनिंग हो गई उसके बाद मैं शादी हो गई और एक्चुअली आप तो जानते हैं मैं राजपूती परिवेश से हूँ और वो भी राजस्थान में, तो काफी ट्रेडिशन भी होते हैं। हाँ जी। तो एक्चुअली नई नई शादी हुई थी, जिम्मेदारियां भी थी, तो थोड़ा सा मेरा ध्यान अलग हो गया उस अलग हो गया अपने गोल से। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं मेरे मन में ये विचार हमेशा चलता रहता था कि मुझे प्रशासनिक सेवाओं में जाना है। ये बहुत एक जुनून की तरह मेरे मन में था। अच्छा जी, ये इसके बाद बच्चा हो गया, फिर थोड़ी मेरी फिजिकल कंडीशन, एक्चुअली थोड़ी स्पाइनल कोर्ड में मेरे प्रॉब्लम आई, तो उसके कारण मुझे ऑपरेट करना पड़ा, करवाना पड़ा। ऑपरेशन जब हुआ तो डॉक्टर ने मुझे एक्चुअली बिल्कुल मना कर दिया कि अब आप पुलिस सर्विस जो है वो ज्वाइन नहीं करेंगे, क्योंकि आपकी फिजिकल कंडीशन ऐसी नहीं है। जी हाँ, तो जो मेरे कहीं अंदर मन में जुनून था उसको एक बार के लिए फिर से नई दिशा मिली और एक्चुअली भगवान का आशीर्वाद समझिए कि मुझे फैमिली भी बहुत अच्छी मिली, हस्बैंड भी बहुत अच्छे और इन लोगों भी, उन्होंने मुझे फिर तैयारी करने के लिए वापिस मोटिवेट किया। जी बिल्कुल, उन्होंने मोटिवेट किया कि आपको तैयारी करनी चाहिए। फिर मैंने वापिस 2008 से तैयारी शुरू किया आपने। मेरी एक छोटी बेबी हो चुकी थी। जी हाँ, अच्छा, 1 साल की वो बेबी थी। उसके बाद मैंने तो फिर टाइम मैनेजमेंट कैसे करते थे, मतलब कब से क्या आपका रूटीन रहता था?
हाँ क्या रूटीन रहता था? तो ऐसे था मैम कि जॉब के साथ, और वो भी पुलिस जॉब, बेल्ट सर्विस तो टाइम चाहिए उसको, चाहिए। और हाँ फैमिली को भी, और छोटी बेबी थी एक्चुअली, हाँ तो मैंने इसके लिए तरुणा जी नाइट शिफ्ट ली 3 साल अच्छा के लिए। मैं नाइट ड्यूटी जाती थी, रात को 1 बजे मैं ड्यूटी जाती थी, और ठीक है सुबह 8 बजे के लगभग मैं ड्यूटी से वापिस आती, फिर जी। घर का काम वगैरह करके हाँ उसके हाँ बाद मैं लाइब्रेरी चली जाती थी, क्योंकि मुझे अच्छा लगता था कि घर में मैं स्टडी नहीं कर पा रही हूँ अकॉर्डिंग टू कॉम्पिटिशन, कि अच्छा अच्छा लाइब्रेरी में मैं तैयारी करती। वहां भी मुझे फिजिकल प्रॉब्लम आई, क्योंकि ऑपरेट हुआ ही था मेरे, हाँ तो मैं जी सिटिंग नहीं कर पाती थी ना, मैं लंबे टाइम तक, जी हाँ, स्टैंडिंग पोजीशन में रह पाती थी। तो कभी अच्छा लाइब्रेरी में तैयारी करती है, कभी ऑफिस में नोट्स वगैरह ले जाती तो वहां अच्छा कर अच्छा लेती, अगर टाइम मिलता, और अच्छा घर पे अच्छा टाइम मिलता तो घर पे करती। घर पे कर लेकिन लेती इस थी। बीच मैं कहीं कहूंगी, मेरे परिवार का बहुत सपोर्ट रहा, सपोर्ट मेरे मिला है मदर का भी आपको? काफी सपोर्ट रहा, हाँ हस्बैंड जी का बहुत सपोर्ट रहा, और एक छोटी सी बच्ची जो 1 साल की बच्ची है, उसका हाँ भी बहुत सपोर्ट था, क्योंकि उससे भी मेरी जरूरत थी उस समय। जरूरत थी। हाँ, तो उसका भी टाइम आपने लिया है थोड़ा बहुत पढ़ाई के जी, लिए, उसका ठीक मैंने टाइम उस समय लिया था जो आप देने की कोशिश करते करते हो। हो। हाँ, और बहुत सारे लोगों की फिर मदद भी कर पा रहे हो, प्रशासनिक सेवा दे पा रहे हो तो। जी हाँ, ये सबसे बड़ा इसका यही था जुनून होने का, कि मैं एक ऐसी पोस्ट ले सकूं, ऐसी जिसमें मैं जनता से कनेक्ट हो सकूं, सरकार और जनता इन दोनों के बीच में हाँ लिंक जी बन के, और जनता की सेवा कर सकूं, ये जुनून जी था। और मैं भगवान का आशीर्वाद मानती हूँ हाँ कि जी मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ। हुआ। जी तरुण, तो संतोष राजावत मैम जो है बहुत सारी बच्चियों के लिए एग्जाम्पल हैं, जो ये सोचते हैं कि हमारे पास फैमिली है, जॉब पे है, हम तैयारी नहीं कर सकते। तो ऐसा नहीं है, अगर जुनून हो, सही अप्रोच अपनाएं तो हम तैयारी कर सकते हैं। तो मैम आपने क्या स्ट्रेटेजी अपनाई आरएएस प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए, कि एक के बाद एक आपके सारे एग्जाम्स जो है फिर 2012 में आपने फाइनली रैंक भी हासिल किया। तो प्रीलिम्स में क्या स्ट्रेटेजी थी, मेंस में क्या थी, उसके बारे में बताइए। तरुणा जी, मैंने एक्चुअली जब स्टडी इसके लिए स्टार्ट करी तो मैंने मेंस से ही करी, क्योंकि मेरा बीए में सब्जेक्ट था पब्लिक एट ऑनर्स, अच्छा तो अच्छा एक सब्जेक्ट मैंने वो रखा, और जी दूसरा मुझे फिलोसफी में इंटरेस्ट था, तो मैंने नया सब्जेक्ट लिया। सबसे अच्छा पहले अच्छा मैंने फिलोसफी की तैयारी करी, पूरा टाइम उस पे दिया, जब वैकेंसी आई भी नहीं थी तब, तो तब से मैंने अच्छा अच्छा स्टार्ट कर दिया। तो एक बार इसका पहले से कुछ तैयार कर लिया, तो उससे मुझे कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ दोबारा, जी और जी फिर मैंने जब वैकेंसी आई तो 2 महीने हाँ का टाइम पूरा फ्री पे दिया, फ्री अच्छा में, अच्छा जैसे बिल्कुल छोटे छोटे नोट्स बनाना है, हाँ जी, और रिवीजन करना, स्पेशली मैंने जो रिवीजन पे दिया, अच्छा और करंट जीके है, जी बिल्कुल, करंट जीके पे जोर दिया, राजस्थान की एक्चुअली प्रशासनिक सेवा है तो राजस्थान का काफी पार्ट होता है, हाँ उसको मैंने जी अच्छे से तैयार किया। अच्छा इसके अच्छा अलावा प्रतियोगिता दर्पण और क्रॉनिकल, ये 2 मैंने अच्छा बेस बुक जीके अच्छा के लिए रखी, अच्छा और अच्छा कुछ मैंने एनसीईआरटी की बुक्स वगैरह पढ़ी, जहां से मैंने सारी बेस तैयार किया। एक्चुअली ठीक है जब प्री का रिजल्ट आ गया, जी। एग्जाम दिया मैंने, उसके बाद ही मैंने मेंस के लिए तैयारी स्टार्ट कर दी थी, अच्छा फिर और उसके लिए दूसरा जब मैं तैयारी कर रही थी तरुणा जी, तो मैंने अपने हर सब्जेक्ट के अलग अलग नोट्स तैयार कर लिए थे जी। उस अच्छा टाइम बीच, क्योंकि मुझे टाइम मिलता नहीं था घर से, और ऑफिस, तो ऑफिस नोट्स ले जाया करती थे कभी कभी, घर पे टाइम निकाल के, कभी कभी तो ये हुआ करता था कि जब मैं ऑफिस से घर जाती थी या लाइब्रेरी से घर जाती थी, तो मैं स्कूटी पे बैठे बैठे रिवीजन करते हुए जाती थी, क्योंकि मुझे रिवीजन का टाइम नहीं मिल पाता था अरे नोट्स बनाने अच्छा में, अच्छा तो अच्छा मैं स्कूटी पे बैठे बैठे रिवीजन करते हुए जाती अच्छा थी। अच्छा तो मैम बता जी रही है कि नोट्स बनाना और रिवीजन करना कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है बहुत बहुत जरूरी है ये। जी। और मैम जैसे प्रीलिम्स में एमसीक्यूज की प्रैक्टिस और आंसर राइटिंग, उसके लिए आपने क्या किया? मतलब स्टूडेंट बहुत आंसर क्वेश्चन राइटिंग पूछते। के लिए मैंने फिलोसफी की टेस्ट सीरीज ज्वाइन की मैम, अच्छा। जी हाँ, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी, और उसका मुझे काफी फायदा मिला, क्योंकि जी मुझे लगा कि कहाँ कहाँ मेरे प्रॉब्लम्स है रिटर्न में, ठीक है और मैंने उसमें सुधार करने की कोशिश करी। ठीक है। और एमसीक्यूज कैसे बनाते थे मैम? पानी ले लीजिए। हाँ जी सॉरी हाँ जी। एमसीक्यूज जी कैसे सॉल्व करते थे मैम? एमसीक्यूज की कोई पार्टिकुलर स्ट्रेटेजी या कुछ ऐसा आपने जो किया हो मतलब? नहीं मैम, जैसे जहां मुझे कमी लगती थी मैं उनको खुद तैयार करती। एक्चुअली मुझे कोचिंग का टाइम बहुत ज्यादा नहीं मिला, मैंने सेल्फ हाँ स्टडी करी, पर हाँ एक अच्छा हाँ अच्छा फ्रेंड सर्किल था मेरा, मैं उनके साथ बैठ के हम लोग डिस्कस किया करते थे। अच्छा अच्छा
तो मैम बता रही हैं कि उस जमाने में बहुत ज्यादा रिसोर्सेज नहीं होते थे, तो मैडम ने मतलब सेल्फ स्टडी किया है, तो सेल्फ स्टडी से भी कोई भी स्टूडेंट एग्जाम को क्रैक कर सकता है, तो ये मैम बताना चाह रही हैं इसके अंदर। टाइम मैनेजमेंट हो गया। मैम बुक्स को लेके कोई अप टिप्स बताना चाहें अपने स्टूडेंट्स को, क्योंकि बहुत सारे जो हमारे बच्चे हैं ना वो बुक्स को लेके कंफ्यूज रहते हैं कि एक सब्जेक्ट के लिए एक बुक पढ़े, एक से ज्यादा बुक्स पढ़े, तो उसके लिए आप कोई टिप एंड ट्रिक कुछ बताना चाहें। सिलेबस बहुत वास्ट है, पूरी बुक लिस्ट तो हम यहाँ पे नहीं बता पाएंगे, फिर भी आप जो बेसिक बातें बताना चाहें बच्चों को जो वो फॉलो करके अपने लक्ष्य को हासिल कर सके। जिसमें अरुणा जी मैं यही बताना चाहूंगी कि हमें ये सब्जेक्ट वगैरह में तो देख लेना चाहिए कि कौन सी बेसिक बुक है उसको आप पढ़े, क्योंकि हर की लैंग्वेज जो है डिफरेंट डिफरेंट है और मैटर भी थोड़ा डिफरेंट है, पूरा तो नहीं कह सकते हम, तो जिसको जिस लैंग्वेज में और मैटर समझ में आता है और ऑथेंटिक बुक है हमें उसी का ही स्टडी करनी है, और बहुत ज्यादा समय यूज में नहीं लेनी। जो आपको बेसिक बुक लग रही है उन्हीं का आप बार बार रिविजन करें, और अगर आपको किसी टॉपिक पे, जैसे पब्लिक एड एक ऐसा सब्जेक्ट है तो उस पे मुझे जरूर अलग अलग टॉपिक के लिए मैं अलग बुक्स से लेके नोट्स तैयार कर लेती थी ताकि मुझे हर बार नई बुक्स पढ़ना नहीं पड़े। एक्चुअली हाँ। ज्यादा जब बुक्स होती हैं तो पढ़ने का रीजन बन जाती है वो भी। मेंस के लिए मैंने नोट्स काफी तैयार कर लिए थे और नोट्स का ही मैं बार बार रिविजन करती थी, प्रैक्टिस करती थी, रिटर्न प्रैक्टिस करती थी। अच्छा, और अपने फ्रेंड सर्किल में जब बैठते तो हम एक दूसरे को दिखाते थे क्रॉस चेक करवाते थे कि कैसे क्या, उनमें क्रॉस चेक करवाते और कुछ कमी होती तो एक दूसरे का सपोर्ट करते, उनको बताते सही। ठीक है, तो इसका मतलब मैम बता रही है कि आप ग्रुप स्टडी कर सकते हैं, जो आपके फ्रेंड सर्कल है उनके साथ आप अपने आंसर्स लिख के दिखा सकते हैं, शेयर कर सकते हैं एक दूसरे को, तो उससे आपको काफी हेल्प मिलेगी। और मैम जैसे आजकल आप देखते होंगे अनअकैडमी, आप हर जगह पे देखते होंगे, तो जैसे ऑनलाइन एजुकेशन उस टाइम पे तो अवेलेबल नहीं था, आज है, तो आप क्या फील करेंगे कि मतलब क्या डिफरेंस आ सकता था आपकी तैयारी में अगर उस टाइम पे अनअकैडमी होता, तो क्या डिफरेंस आता आपकी प्रिपरेशन में? अरुणा जी मुझे ये फील होता है कि अगर उस समय अनअकैडमी वाला जो होता तो वो मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात होती कि जितना मैंने टाइम दिया हो सकता है उससे कम टाइम में भी मैं ये स्टडी कर लेती, क्योंकि अनअकैडमी वाला जी इसमें हर टॉपिक को बहुत अच्छे से और डीपली समझाया गया है, बार बार रिविजन कराया गया, नोट्स बनाने के तरीके बताए जाते हैं। तो मानती हूँ कि अगर ये उस समय अवेलेबल होती तो मुझे शायद 3 साल नहीं लगते, मैं 1 साल में ही आपका काम हो जाता। हाँ, मतलब जल्दी तैयारी। अच्छा, ठीक है। और मैम आप कोई स्टूडेंट्स को अपने लास्ट टिप्स कुछ देना चाहती हूँ, जो गलतियां स्टूडेंट्स करते हैं, मतलब आपको लगता हो कुछ आपसे मिस्टेक्स हुई या कुछ भी ऐसा जो बच्चे गलतियां ना करें आगे के लिए, आपने तैयारी में किन किन बातों का ध्यान रखा वो आप शेयर करना, कुछ गाइडलाइंस देना चाहे हमारे बच्चों को, लर्नर्स को। अरुणा जी जो तैयारी कर रहे हैं एक्चुअली वो सब इंटेलिजेंट है तो मैं उनका ज्यादा समय भी नहीं लूंगी और कुछ बहुत स्पेशल नहीं बताना चाहूंगी, पर मैं इतना सा जरूर कहती हूँ कि जब सबसे पहले आप अपना लक्ष्य तय कीजिए, और जब आपने अपना लक्ष्य तय कर लिया तो पूरी ईमानदारी और लगन और मेहनत के साथ उस पर जुट जाइए। आपको ये नहीं है कि हमें किसी को दिखाने के लिए तैयारी करनी है, जो कि कई लेवल पर होती है। आप अपने मन में संतुष्ट होने चाहिए जब आप एग्जाम देने जा रहे हो कि मैंने अपनी तरफ से पूरी तैयारी करी है। जी, रिजल्ट चाहे कुछ भी हो उसका, कुछ भी हो, तो आप अगर बिल्कुल अगर आप लगन और मेहनत ईमानदारी के साथ करते हैं तो मैं ये मानती हूँ कि आपका टारगेट कभी आपसे दूर नहीं होगा, नहीं। और जीवन में आपको कभी अपने लक्ष्य को नहीं पाने का मल्लाल नहीं रहेगा। जी, थैंक यू सो मच संतोष मैम, आपने इतना समय निकाला, और मुझे लग रहा है खास तौर पर जो लर्नर्स में महिलाएं हैं, जो बच्चियां हैं, उनको आपके इंटरव्यू से एक बहुत प्रेरणा मिलेगी और वो अपनी तैयारी जो है सही दिशा में करेगी, बिना इधर उधर मतलब किसी की प्रभावित ना होके किसी से अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहेगी। तो थैंक यू सो मच मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने इतना टाइम निकाला। धन्यवाद, थैंक यू जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक यू।